ऐसा करो फारिस, आज गिन के सारे झूठों के बदले सारे सच बोल दो। तुम्हारी कसम, तुम्हें माफ कर दूंगी। क्या झूठ बोला मैंने तुमसे? सिर्फ ये बात छुपाई कि मैं मिफ्रा के साथ डिनर पर गया था, तो भी इसलिए ताकि तुम्हें गुस्सा ना आए और मैं चुपचाप अनड्यू फेवर लेने की सजा भुगती। भुगत ली स्टॉप इट सरना। मेरे अकाउंट में जो 1 करोड़ रुपए जमा कराया है, कहां से आया तुम्हारे पास? प्लॉट बेचा मैंने। उठो, क्या मैंने कहा उठो। क्या तमाशा है सरना? तमाशा है तो तमाशा करो फारिस अहमद, ये हमारे रिश्ते को बचाने की आखिरी उम्मीद है। मेरे सर पे हाथ रखो और कहो जनाब, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मर जाओ। बिना भी मरी ना तो मर जाऊंगी, बस इतना कह दो वो प्लॉट तुमने 1 करोड़ रुपए में बेचा है, ये मामला या तो कसम खाने पे खत्म होगा या प्लॉट बिकने के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने पे। ये सब क्या है जनाब? मैंने तो दो नफलों की मन्नत मान ली है। घर पूरे जवाब के साथ आए तो कसम से उसी वक्त पर डालूंगी, चाहे तुम्हें चाय पिलाने में देरी क्यों ना हो जाए। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मुझे तो पता है तुम्हारे मनी ट्रेल में मेरी किस्मत का फैसला लिखा है फारिस। घर आओगे तो पता चल जाएगा कि फैसला मेरे हक में हुआ है। मनी ट्रेल लेकर आया हूं। पैसे मैंने कमाए नहीं है, कुछ हुनों को छोड़ने के लिए कीमत ली आपसे। तो ये मनी ट्रेल नहीं है, एतराफ है। अपने बिक जाने का एतराफ भी तो मनी ट्रेल की तरह ही हुआ ना। हर्फ सच बोल रहा हूं, मैं मिफ्रा के साथ था और मुझे फैसला करना था, लिहाजा मुझे मिफ्रा और पैसे चाहिए या तुम। कुछ देर सोचा मैंने, फिर अपना फोन उठाया, वॉलेट जेब में डाला, गाड़ी की चाबी ली और सीधा तुम्हारे पास आ गया। मतलब मुझे जरनाब चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो बोलो, माफ करोगे मुझे? बोलो ना, चाय के लिए अंदर बुलाओगी या चला जाऊं? चाय पीकर जाना। और हाँ, मैंने तुम्हें माफ किया। देखिए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।